हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। कैसे हैं आप? आज है फ्राइडे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आज का टॉपिक रिसेशन से रिलेटेड है। ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं, राइट? यूरोप तो ऑलरेडी बात कर रहे हैं रिसेशन में, इवन उनका सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि वी आर रिसेशन में है। US कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रिसेशन में आने वाला है, राइट? और इंडिया रिसेशन में तो नहीं जाएगा, बट उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी रहेगा। और कैसे हो रहा है ये इम्पैक्ट? अगर हम कंपनीज़ को देखें, इंडिया में भी स्टार्टअप्स वगैरह वालों ने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करनी शुरू कर दी है, राइट? इवन अगर हम बड़ा हमारा जो आईटी सेक्टर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है, वहाँ पर भी मोस्टली कंपनीज़ ने हायरिंग फ्रीज़ किया हुआ है। ग्लोबली भी यही ट्रेंड है। ट्विटर ने भी अभी देखा होगा आपने, एलॉन मस्क में 50% कर दिया है उन्होंने अपना वर्कफोर्स। तो बहुत सारी हर कंपनी में इस तरह की बातें चल रही हैं कि कंपनी जो है हायरिंग फ्रीज कर रहा है या फिर लोगों को फायर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ टू मैनेज अवर मनी, राइट? कैसे करें ये मैनेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले, अभी भी हैप्पी दिवाली कूपन कोड जो है वो लाइव है। तो आपने अभी तक, दिवाली जा चुकी है तो कोड भी बहुत जल्दी जाने वाला है, अभी तक अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ आज या मैक्सिमम कल तक उसको यूज़ कीजिए। 60% अभी भी डिस्काउंट है ऑन ऑल अवर प्रोडक्ट्स, मिनिमम 60% डिस्काउंट। मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर तीनों साथ लेते हैं तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और साथ में अगर आप ये प्रोडक्ट कोई भी लेते हैं एक, उसके साथ आपको एक फ्री ई लर्निंग वर्थ 3-4,000 रुपीज़ का साथ में मिलता है। और ये बहुत बहुत जल्दी ऑफर जाने वाला है, तो प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा। investindia.in पे जाके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो अब जाके हम बात करेंगे कि क्या ऐसे 6 चीज़ें करनी चाहिए हमें कि हम ये जो आने वाला रिसेशन है जिसमें हमारी जॉब को थोड़ा सा एक रिस्क रहेगा, या फिर अगर हमें नया जॉब स्विच करना है तो शायद नहीं हो पाएगा जो हम प्लान कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें रहेंगी लिमिटेड। और इन्फ्लेशन वगैरह भी हाई है, ग्लोबली भी इंडिया पे इम्पैक्ट आने ही वाला है, तो वो कैसे मैनेज करें? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने फिनेंशियल्स को रिव्यू कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू, आप कहाँ हैं, हमारे गोल्स कहाँ हैं, हम कहाँ हैं अभी, ये जो गैप है ये समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम वो समझ जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ठीक है, इतना सेव करना ज़रूरी है, इतने की SIP करनी ज़रूरी है, राइट? इतना मैं अगर डेट में भी रखूँगा जब भी चल जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इतने दिन, इतने साल तक काम करना ज़रूरी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, राइट? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, एक का जॉब चला गया, एक ने ब्रेक ले लिया, कुछ भी। तो इन सब सिचुएशन में ये चीज़ समझना कि हम कहाँ पे हैं अभी, एक बजट क्रिएट करना और उसके हिसाब से प्लान के हिसाब से समझना कि हाँ ये प्लान मेरे हिसाब से मैनेज होगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, राइट? वो बहुत जरूर करिए। सेकंड, ये बार बार बोलता हूँ मैं, एमरजेंसी फंड हमने कोविड में भी देखा है, ठीक है? और अभी भी अगर ये रिसेशन के टाइम पे एमरजेंसी फंड जो है ना, आप समझे नहीं, चाहे बहुत सारे पैसे हों आपके पास, राइट? एमरजेंसी फंड एक डेट फंड में पड़ा है या FD में पड़ा है या सेविंग्स अकाउंट में भी पड़ा है, तो वो आपको जो कम्फर्ट देगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मिनिमम 6 मंथ, अगर स्टेबल जॉब है तो, बायजू जैसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मिनिमम 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस अपने, राइट, इंक्लूडिंग EMIs वगैरह सब, तो प्लीज़ वो एक बिल्कुल ही लिक्विड डेट फंड में या FDs में या फिर मतलब वर्स्ट केस में सेविंग्स अकाउंट में भी रख लो, लेकिन वो रखो। 12 मंथ का एक्सपेंसेस ये हमेशा आपके पास होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट मत खरीदो, ये सारी चीज़ें उस पैसे से नहीं करो, प्लीज़ 12 मंथ्स का एक्सपेंस वो रखो अपने पास, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई एम टेलिंग यू, मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ मैं आपको। थर्ड, एसेट एलोकेशन। बहुत बार ये है कि अगेन बार बार शायद बोलता हूँ मैं, ये रियल एस्टेट में एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, या आजकल तो इक्विटी में भी एलोकेशन लोग 80% ले लेते हैं, 90% ले लेते हैं, ये सब होता है क्योंकि जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं या कोई चीज़ एक एसेट क्लास ऊपर जाता है तो हमें लगता है इसमें बहुत एलोकेशन ले लो, इसमें बड़ा एलोकेशन ले लो, ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसा डाल दो, ये बढ़ जाएगा। और फिर जब रिसेशन टाइप की चीज़ हो जाती है, जब मार्केट्स मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा जा रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही हैं, तो आदमी परेशान होता है, राइट? तो इस चीज़ के लिए एसेट एलोकेशन, अगेन डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेट एलोकेशन को इग्नोर कभी भी मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाँ ये नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 70% डेट एलोकेशन रख लो, 80% डेट एलोकेशन, अरे 25% भी रखा है अगर, तो 25% है या नहीं है
वो ज़रूरी है समझना, राइट। तो वो डेट एलोकेशन को देखो कि हाँ भाई मेरे पास इनफ डेट एलोकेशन है, तो जैसे इमरजेंसी फंड भी यहाँ से कनेक्ट होता है, वो भी हम डेट एलोकेशन में ले सकते हैं, नहीं लेना तो और भी अच्छा है, लेकिन ले सकते हैं वो अगर रखना है तो डेट एलोकेशन सही से है या नहीं है। अभी डेट के आपको देख रहे हो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं एफडी में, मैं देख रहा था कल भी पंजाब नेशनल बैंक का एक वो आया हुआ था एडवर्टाइजमेंट कि 7.8% के एफडी इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं वो, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो इस टाइम पे एक अच्छा टाइम है डेट में एलोकेशन लेने का भी, वैसे भी, और वैसे भी रखना चाहिए डेट एलोकेशन, ठीक है। तो प्लीज़ अपना डेट एलोकेशन एक बार फिर से रिव्यू कर लो कि मैंने ठीक ठाक रखा है या नहीं रखा है। डेट एलोकेशन इग्नोर मत करो, ठीक है। फोर्थ, लोन्स, राइट। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, होम लोन के भी, सब कार लोन के भी, सबके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो सभी जो है इंटरेस्ट रेट जब लेते हैं तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो सबके बढ़ रहे होंगे। तो वो चीज़ भी समझ लो कि कोई डेट जो है ऐसा है जो एक्सपेंसिव डेट लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड डेट लिया है, पर्सनल लोन डेट लिया है, ठीक है, या फिर इवन कार लोन ले डेट लिया है, तो वो तो प्लीज़ सबसे पहले अगर प्रीपे है, पैसे हैं, ठीक है, तो प्रीपे कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं तो उसकी ईएमआईज वगैरह बढ़ जाएंगी या टाइम बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ें हम पहले ही मैनेज कर लें तो अच्छा है, तो एटलीस्ट वो तो कर दो। होम लोन का हाँ, डेट शायद सबके पास पैसे ना हो प्रीपे करने के, ठीक है, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, वो मोस्टली कम भी रहता है रिस्पेक्टिव टू अदर्स, और उसमें टैक्स बेनिफिट वगैरह भी मिलता है, तो वो फिर भी, वो मतलब फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एक बार समझ लो कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रीपे, क्या सिचुएशन है, कैसा है सारा एलोकेशन वगैरह। बट एटलीस्ट बाकी सब टाइप का डेट अगर पैसे हैं, ठीक है, तो वो प्लीज़ अपना प्रीपेमेंट कर दो, ठीक है, क्लोज करो। नया डेट भी मत लो, ठीक है, और कुछ नहीं डेट कि ये अभी मैंने टीवी ले लिया ईएमआईज पे, ये ले लिया मतलब कुछ कैमरा ले लिया ईएमआईज पे। आई नो मार्केट्स आर डूइंग वेल, काफ़ी सब लोगों की सैलरीज भी काफ़ी अच्छे से बढ़ी हैं लास्ट 2 साल में, लेकिन फिर भी मतलब अभी थोड़ा सा चीज़ें जो हैं थोड़ी अनस्टेबल टाइप हैं ग्लोबली, मेजरली इंडिया में थिंग्स आर गुड, बट ग्लोबली इम्पैक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी कंपनीज भी ग्लोबल रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो अपने को रेडी रखना है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी समझ के रखो कि और डेट नहीं लेता हूँ, एटलीस्ट कुछ भी नया डेट पे नहीं लोन, मतलब कुछ भी नई चीज़ लोन पे नहीं लेंगे हम, अभी जो भी चीज़ बाय करेंगे या तो पैसे हैं तो बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सिंपल फंडा रखो अभी, ठीक है। जब तक चीज़ें थोड़ी सी वापस यूफोरिया वापस नहीं आता, वापस ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी कम हो जाए तो सब चीज़ें तो ठीक है, करना है तब कर सकते हो, वैसे तो मैं हमेशा ही मना करता हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल मत करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। अल्टरनेट इनकम, ठीक है, स्पेशली अगेन एक हाई रिस्क कंपनी में हो, स्टार्टअप्स वगैरह में काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत ऊपर नीचे चलता है, राइट, कभी बहुत अच्छा काम करते हैं कभी बिल्कुल नीचे चलता है, और इट वर्क्स, दैट्स हाउ द कैपिटलिज्म वर्क्स। तो ऐसे सिचुएशन में रीस्किलिंग के ऊपर ध्यान कि मैं नया स्किल सेट करूं, अल्टरनेट इनकम्स के बारे में मूनलाइटिंग के हिसाब से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ट्राई करो कि कुछ नया इनकम सोर्स मिले, राइट। स्पाउस अगर काम नहीं करता है या करती है तो उनको कुछ काम कराने का, तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा एक अल्टरनेट इनकम जो है क्रिएट करने का, थोड़ा बहुत भी अगर 5-10% भी मिलने लग जाता है ना, तो वो एक्स्ट्रा सेविंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है, मेंटल सपोर्ट भी आता है कि ठीक है ये चीज़ नई स्टार्ट की है, ये चीज़ मेरे को नई चीज़ सीखी है मैंने, और इसमें मेरे को कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, तो आप तो एक तो लर्न भी करोगे वो चीज़ को और उसमें एक्सपर्ट भी बन जाओगे आगे, और अगर बाई चांस वर्स्ट केस में कुछ प्रॉब्लम आती है जो एग्जिस्टिंग जॉब में, तो एटलीस्ट वी विल हैव सम इनिशियल लेवल पे कि हाँ यार यहाँ तक तो पहुँच गए वहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 things आई वॉन्टेड टू टेल यू, जिसमें मेरे को लगता है कि अगर हम इंडिया में रिसेशन की बात नहीं है एंड इंडिया की GDP ग्रो करती रहेगी, दैट्स वट एवरी वन इज सेइंग, राइट, एंड दैट्स वट मतलब द नंबर्स आर सेइंग, बट ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे पास भी आएगा, क्योंकि स्पेशली कंपनीज अगर हम MNCs वगैरह में कर रहे हैं काम या IT सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, तो लेट्स गेट प्रिपेयर्ड अबाउट इट, राइट। लेट्स मतलब ऐसा नहीं हो एकदम से आया यार ये क्या हो गया, वो चीज़ है, तो प्लीज़ गेट प्रिपेयर्ड अबाउट इट। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट, ठीक है। आपको लगता है कि कभी कभी बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे वीडियोस बनाते हो सर, बहुत नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, बेल आइकन मत दबाओ, सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है, तो बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत कम आएंगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमारा ये रहता है फ्राइडे को, इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ना कि आपको लगता है ये मेरे को डिस्कस करना चाहिए, ये स्पेसिफिक मुझे डिस्कस करना चाहिए, कोई केस आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिए, तो आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन आवर अपकमिंग सेशंस। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों, जय हिंद।